डॉक्टर लक्ष्मण, ये जो बात ये है कि हम जो तुलना कर रहे हैं हिंदुत्व की आईसिस या बोको हराम से या फांसीवाद से, फांसीवाद से जो तुलना की जाएगी वो भी पसंद नहीं आएगी हिंदुत्ववादियों को, और अगर आप इसके मनुवादी स्वरूप पर जाएंगे तो वो भी अपच है उनके लिए। तो ये तुलनाएं क्या आपको लग रहा है कि अतिरेकपूर्ण है, या आपको लग रहा है कि हो तो यही रहा है लेकिन कहने की हिम्मत सार्वजनिक रूप से नहीं पड़ रही है, धीरे धीरे हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं कि हम कहीं ना कहीं जाके कभी तालिबान से जोड़ते हैं, कभी आइसिस से जोड़ते हैं, कभी दूसरे उग्रवादी संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं। क्या ऐसी स्थितियां आपको दिख रही हैं? मुकेश जी, पहले तो मेरी टिप्पणी ये रहेगी कि जिस मकसद से इस तरह की बहसें खड़ी की जाती हैं उसके ट्रैप में हम लोग भी फंस जाते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ये एक मौका होता है जिसमें उसका काउंटर नैरेटिव भी डेवलप किया जा सके। हम लोग शायद वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदुइज्म को लेकर के, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व को लेकर के भी लगातार बहस होती रही है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मुझे कबीर याद आते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहिमाना, आपस में दो लड़ी मरे हैं, मरम को नहीं जाना। और वही कबीर एक बात कहते हैं कि संतो देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ है जग पतियाना। अब जो ये पतियाना सच सच कहने पर मारा जाना है, अब तो शायद हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आपकी पहचान काफी है, जो अभी शीबा असलम फहमी जी के आक्रोश और क्षोभ में दिख रहा था, ये महसूस किया जा सकता है कि आपने इस देश के नागरिकों को जाति और धर्म के नाम पर क्या बना दिया। तो सच कहने वाले लोग कौन है? अब मैं एक सच सुनाता हूँ हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बीच के फर्क को। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि यदि हिंदू राज की स्थापना सच में हो जाती है तो निसंदेह यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चाहे हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मैत्री के लिए खतरा है, या लोकतंत्र के लिए असंगत है, लोकतंत्र विरोधी है, किसी भी कीमत पर हिंदू राज को स्थापित होने से रोका जाना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर या हिंदुइज्म के नाम पर भी हमने उन प्रैक्टिसेस को, उन बारीक पद्धतियों को भी मौका स्थापित कराया है जिस पर एक दिन हार्ड हिंदुत्व को आकर के यह सब करना था? जैसे टीवी आने के बाद रामायण किसने चलवाया घर घर में? मैं तो, मेरा काम है भक्ति आंदोलन पर, अखंड रामायण के पाठ से लेकर के रामायण आप घर घर दिखाएंगे तो आपका बच्चा एक दिन राम मंदिर आंदोलन में क्यों नहीं जाएगा? अब मेरी दूसरी बात है कि यह जो कुछ भी हो रहा है इस पर सच बहुत कुछ है। आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? आपके सो कॉल्ड हिंदू स्ट्रक्चर के भीतर, जैसे आपने विष्णु का अवतार बना दिया बुद्ध को, वो बुद्ध कहाँ है? कबीर कहाँ है? रैदास कहाँ है? और फूले पेरियार अंबेडकर कहाँ है? उस ग्राउंड पर खड़ा होकर के मैं कहता हूं, ये हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बीच जो ये फर्क की बात है ना, इसने भी मौका दिया है आज आपको वहां खड़ा करने का जिस पर सलमान खुर्शीद जी नाहक तुलना करके एक विवाद मोल कर लिए। मैं तो एक बात कहता हूं कि आरएसएस इस समय दुनिया का एक ऐसा संगठन है जिसकी उग्रता, जिसकी हिंसा और जिसकी विभेदकारी नीतियों का दुनिया में कोई सानी नहीं। मैं क्यों किसी और का नाम लूं? ये अपने आप में जिस तरह का जुल्म और ज्यादती है, ये निश्चित तौर पर इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक जमात को चिन्हित करके नफरत भरी गई है। ये कौन लोग हैं जो लिंचिंग के बाद भी मनोबल दे रहे हैं कि आप कुछ भी करिए वो आपको कोई कार्यवाही नहीं होगी? तो स्टेट का रोल क्या है? स्टेट का रोल बियॉन्ड द रिलीजन, रिलीजन को छोड़ देते, जब जब ये दिखने लगा ना कि आज राम मंदिर का फैसला हुआ और कल आप राज्यसभा की शपथ ले रहे हैं, तो आपने संकेत कर दिया इस देश के आम जनमानस को कि एक दिन वो सारे लोग हिंदुत्व के नाम पर कुछ भी करने पर आमादा होंगे। तो ये एक आक्रोश है। अब ये कोई कहता रहे कि उसकी तुलना इन्होंने इससे कर दी, उससे कर दी, मैं ये कह रहा हूं कि जो इस देश में हो रहा है आप इसे किस नाम पर जस्टिफाई करेंगे? आप इसे किस नाम पर रोक पाएंगे? और आपने हिंसा को लिजिटिमाइज किया है, आपने मानवतावादी मूल्यों को हाशिए पर ढकेला, इसीलिए अल्ताफ की हत्या हो रही है, खुलेआम हत्या हो रही है और उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगहों पर। आखिरी बात इस पहली टिप्पणी में मैं जोड़ दूं कि असल में आरएसएस
आरएसएस की जो पूरा आइडियोलॉजिकल नरेशन है ना, वही हिंदुत्व यानी हिंदू कलेवर के भीतर हिंसा, विभेद और विभाजनकारी पहलू पर ही निर्भर है। कभी ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाले लोग कबीर और बुद्ध पर नहीं जाते, इसलिए आरएसएस सफल हो जाता है। आज हमारे पास संविधान जैसा एक मूल्य है जिस पर खड़े होकर के हमें बेबाकी से यह सच कहना होगा कि इस समय दुनिया का सबसे हिंसक संगठन अगर कोई है तो आरएसएस। जी डॉक्टर लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ इसकी आखिरी टिप्पणी आपकी हो इस बारे में, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि इस तरह की टिप्पणी से कांग्रेस को, विपक्ष को नुकसान होता है। एक ट्रैप की बात आपने भी कही थी, पहला सेंटेंस आपका ही था कि एक ट्रैप में हम फंस जाते हैं उनको अवसर देकर कि लीजिए अब हमारी पिटाई कीजिए और पोलराइज कीजिए। क्या ये एक तरह का आतंक भी है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो भी ना बोलें, एक हमारे ऊपर अंकुश है, हमारी अभिव्यक्ति पर अंकुश है? निश्चित रूप से जब भी दुनिया भर में दक्षिणपंथी या रिग्रेसिव विचारों का वर्चस्व हुआ है, वो यही काम करते हैं कि वो अपनी लकीर को इतना रेडिकल ढंग से खड़ा करते हैं कि आप पक्ष में जाएं या विपक्ष में जाएं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं शिवाजी की बात को आगे बढ़ा दूं कि ऐसा नहीं है कि वो किसी के बोलने का इंतजार करते हैं। वो आदिवासियों पर जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है, मुसलमानों पर तो बात करने में तो आप बार बार मुस्लिम विरोधी कमेंट, और मैं तो चिंतित हूं आपके चैनल को लेकर के, सत्य हिंदी आपका नाम है और आज देखिए आरएसएस पर आप बहस कर रहे हैं, आपके कमेंट क्या आ रहे हैं। मैं तो अभी पढ़ रहा था कि जो जो बुरा करेगा वो होगा। आप सच के साथ खड़े हो जाइए ना, ये बहुत काफी है। तो मैं जो बात कह रहा था कि बोलना कोई जरूरी थोड़ी है। आदिवासी जो लड़ रहे हैं, जो गोलियों से मार दिए गए, वो उसी नारे के आड़ में मारे गए जो सतीश जी अभी याद दिला रहे थे कि कम से कम नारा तो आया, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। उसी नारे की आड़ में आदिवासियों का जबरदस्ती विकास किया जा रहा था, जिसके आड़े कुछ आदिवासी आ रहे थे तो उनको गोली मारी गई। CNRC उसी नारे के लिए तो लाया गया कि उसकी आड़ में कुछ लोग आ रहे थे जिनकी नागरिकता पहले साबित की जाए, तब उन्हें 15 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा नहीं। मैं देखिए भाषा का एक विद्यार्थी हूं और मुझे ये बात पता है कि भाषा में बहुत ताकत होती है। नोटबंदी के समय 50 दिन की बात कह कह करके भी तो भरोसा किया गया था कि मुझे 50 दिन दे दो। अभी नोटबंदी की सालगिरह 5वीं बीती है, क्या क्या हुआ इस देश में, कहाँ गया वो विकास और विश्वास। तो हम दरअसल एक भ्रम में है इस समय। देश का मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी एक खास तरह के दोहरेपन का शिकार है, क्योंकि इस जुल्म और ज्यादती को जो झेल रहा है ना, उसके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं होता। हमारे यहाँ एक बहुत बहुत बड़े कवि हुए पाश, उनकी तो कविता संग्रह का इनाम है कि बीच का रास्ता नहीं होता। तो ये जो बीच का रास्ता है ना, कि हमें उसके अच्छी चीजों को भी देखना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर जितना हमला किया गया है उसकी बुनियाद में, सुनीलम जी जिक्र कर रहे थे, मैं किताब लेके बैठा हूं, उसके तमाम रेफरेंसेस मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं सुनाऊंगा कि इनकी पूरी बुनियाद दो चीजों पर टिकी है आरएसएस की। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई अतिवादी बयान नहीं है, ये सच है, और इस सच को सत्य हिंदी पर बोलना जरूरी है। पहली बुनियाद है झूठ की और दूसरी बुनियाद है हिंसा की। इस किताब में मैं आपको दर्जनों ऐसे तथ्य दिखा दूंगा, खासकर आरक्षण पर, जो झूठ पर लिखा गया है। जाति के उन जाति भेद को कह रहे हैं अंग्रेज बढ़ा दिए। तो जिसकी विचारधारा झूठ पर टिकी हो और जो शस्त्र पूजा करके इस देश में शांति की बात करे, वो कुछ बुद्धिजीवियों को तो मुगालते में रख सकते हैं, लेकिन ये जो जुल्म और ज्यादती लोगों के ऊपर बरपी है, मैं इसमें जोड़ते चलूं, विश्वविद्यालयों और शिक्षा के लिए एक नीति लाई गई है, नई शिक्षा नीति। उस नई शिक्षा नीति से किसका नुकसान होने वाला है? क्या कि इस देश के बहुसंख्यक आवाम को आप इसी मुगालते में रहेंगे कि चलो मोदी कुछ नहीं कर रहा है तो कम से कम मुसलमानों को ठिकाने लगा रहा है? आरक्षण तो निजीकरण का समर्थन लोग इस तरह करते हुए पाए जा रहे हैं कि चलो कम से कम आरक्षण तो खत्म हुआ। तो वही नई जी शिक्षा नीति भी इस तरह लाई गई है जो पलट कर आप पर भी आ रही है। तो कोई ट्रैप नहीं है मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही आयोजन किया, और ऐसे आयोजन और करिए, मैं तो आमंत्रित करता हूं, और खुल के हिंदुत्व पर बहस हो, ताकि जो जो एक बहुत मौजू कविता भी है ना कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, तो हम ये कहते हैं हाँ, जुल्मतों के दौर के भी गीत गाए जाएंगे। शुक्रिया। बिल्कुल।
इसी नोट पर इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये बहस तो अंतहीन है, अनंत है।